Welcome students with another video lecture of problem solving of pulley. आज हम पुली के एक और प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जिसकी सहायता से हम और अच्छी तरीके से पुली को समझने की कोशिश करेंगे. ये प्रॉब्लम जो पिछली प्रॉब्लम है उसके अनुसार थोड़ा और एनलार्ज्ड है, जिसमें कि आपको एक लोड निकालने के बजाय आपको दो लोड ऑलरेडी क्वेश्चन में दिए हुए हैं और इन दोनों का जो सॉल्यूशन है वो मैंने आपको नोट्स में भी प्रोवाइड किए हुए हैं, जो फॉर्मूलेज हमने इसमें पर्टिकुलरली यूज किए हुए. सो लेट्स सी द न्यूमेरिकल फर्स्ट एंड देन वी विल एनालाइज फर्दर. A belt pulley made up of grey cast iron FG150 has four arms of elliptical cross sections. एक belt की pulley grey cast iron FG150 से बनी हुई है, जिसमें four arms elliptical cross section निर्धारित है. जब हम four arms को निर्धारित करने की कोशिश करते हैं तो ध्यान देंगे कि FG150 मतलब 150 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ दिया हुआ है और इसमें चार आर्म्स हैं. इन विच द मेजर एक्सिस इज ट्वाइस ऑफ द माइनर एक्सिस, सेम पिछली प्रॉब्लम में भी. और हमेशा जनरली जब भी हम पुली डिजाइन करते हैं तो इसका जो आर्म का मेजर एक्सिस रहता है वो माइनर एक्सिस से दोगुना रहता है. ये कंसीडर किया जाता है व्हाइल डिजाइनिंग. द टेंशन the tension arm light and slack side of the belt are 750 and 250 newton respectively. ये arm की tension tight side और slack side, tight side और slack side क्या होती है? जब दो pulley होंगी और दो pulley के बीच में जब tension होगा तो ऊपर वाली जो side है उसको हम tight side कहते हैं और जो नीचे पुली के नीचे वाला जो पोर्शन है उसको हम स्लैक साइड कहते हैं. तो जो ये फोर्सेस दिए हुए हैं, लोड्स दिए हुए हैं, इसे एक टाइट साइड का दिया हुआ है आपका 750 और स्लैक साइड यानी कि लूज साइड का दिया हुआ है 250. स्लैक साइड को हम लूज साइड भी बोलते हैं. द मीन डायमीटर ऑफ पुली इज 300 mm. जो मीन डायमीटर है 300 mm दिया हुआ है, कैपिटल डी. दिस वन इज 300 mm, while the hub diameter is 16 mm. ये जो hub diameter है small d1 ये 60 दिया हुआ है. Assume that half then under of arm transmit torque at any time. Assume that the half them under the arm transmit torque any time. The factor of safety is 5. फैक्टर ऑफ सेफ्टी FOS 5 दिया हुआ है. डिटरमाइन द डायमेंशंस ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द पुली आर्म नियर द हब. तो क्रॉस सेक्शन हमको निकालना है, मतलब हमको अल्टीमेटली क्या निकालना है, बी और ए, जैसे हमने लास्ट प्रॉब्लम में निकाला था. लेकिन चूंकि लास्ट प्रॉब्लम में हमको पी निकालना था तो इसलिए पी निकालने के लिए हमने MT और MB इसको निकालने की कोशिश की थी और लास्ट फॉर्मूले में हमने सिग्मा बी में इसे रखा था. इस बार हम वैसा नहीं करेंगे, दैट्स वाई दिस प्रॉब्लम इज यूनिक और इसे सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच का इस्तेमाल करना पड़ेगा. तो सबसे पहले हम लिखते हैं कैपिटल P1 750 न्यूटन जो टाइट साइड का है और P2 250 न्यूटन जो स्लैग या लूज साइड का है. कैपिटल D 300 mm, स्मॉल D हाफ डायमीटर 60 mm. SYT ये जो हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ है ये दिया हुआ है 150 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर. FS दिया हुआ है 5, स्मॉल n दिया हुआ है 4 और b इज इक्वल टू 2a. ये हमको न्यूमेरिकल में हमको ये पैरामीटर्स दिए हुए हैं. तो सिग्मा t इज इक्वल टू हो गया हमारा 30 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर. लास्ट टाइम आपको याद होगा लास्ट न्यूमेरिकल में भी हमारा सेम 30 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर आया था. अब हम निकालते हैं बेंडिंग मोमेंट ऑन आर्म
इसमें ध्यान रखेंगे MT जो हमने पहले निकाला था वो दूसरे फॉर्मूले से निकाला था, इस बार जो हम फॉर्मूला प्रयोग कर रहे हैं चूंकि ये दो हमको टेंशंस फोर्सेस दिए हुए हैं दैट इज P1 एंड P2, तो हम इन दोनों फॉर्मूले का दोनों का प्रयोग करके हम MT निकाल रहे हैं। और ये मैंने आपको न्यूमेरिकल में भी नोट्स में भी आपको दिया हुआ है, MT इज इक्वल टू कैपिटल P1 माइनस स्मॉल P2 डिवाइडेड बाई D/2। लास्ट टाइम हमने ये फार्मूला यूज किया था MD निकालने के लिए, इस बार हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करें फॉर्मूला नंबर 2। और इसमें हम 750-250 और डी की डी इज इक्वल टू 300/2 को रख के MT इज इक्वल टू 75,000 न्यूटन MM, ये सब हमको न्यूटन MM में निकालना, ध्यान रहे MM इज आवर डायमेंशन विच वी वॉन्ट टू फाइंड आउट अल्टीमेटली एट लास्ट ऑफ आर्म मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस। इसके बाद हम MT का दूसरे फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए एज्यूमिंग द वन हाफ ऑफ द आर्म कैरी द लोड एट एनी टाइम द टेंजेंशियल फोर्स P एट द एंड ऑफ द आर्म्स इज गिवन बाय, ये जो सेंटेंस है जो यहाँ पर लिखा हुआ था और मैंने उस समय आपको डिस्क्राइब नहीं किया था, एज्यूम दैट द हाफ ऑफ द अंडर आर्म ट्रांसमिट टॉर्क एट एनी टाइम, ये हमेशा फिजिबल है, हमेशा हम डिजाइन जब भी करते हैं पुली का तो स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए करते हैं, और स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए करते हैं मतलब कि ये हमेशा निर्धारित रहता है कि एक तिहाई जो लोड है वो हमेशा टेंजेंशियल फोर्स में रहेगा एंड ऑफ आर्म, आर्म के अंत में, आर्म के अंत में मतलब यहां पर। सो कैपिटल P इज इक्वल टू 2 MT डिवाइडेड बाई RN, MT हमको निकालना है, सॉरी हमने P हमको जो टेंटेटिव रहता है वो निकालना है, MT हमने निकाल लिया है 2 MT 75,000 R स्मॉल रेडियस जो है 150 300 कैपिटल D है तो R इज इक्वल टू 150 डेफिनेटली होगा, N नंबर ऑफ आर्म्स इज इक्वल टू 4 तो ये हमारा जो 250 है दैट विल बी P। तो हमको P1 P2 और कैपिटल P हमने निकाल लिया, ये कैपिटल P हमने लास्ट टाइम भी निकाला था आपको याद होगा, और इस MT को हमने लास्ट न्यूमेरिकल में 2πNT/60 के अनुसार इसको निकालने की कोशिश की थी। अब हम देखते हैं कि लेंथ निकालने के लिए L, द आर्म L फॉर द बेंडिंग मोमेंट एट द सेक्शन XX नियर द हब इज गिवन बाय कैपिटल स्मॉल एल इज इक्वल टू D/2 माइनस स्मॉल D/2, ये कैपिटल D/2 पुली का है और स्मॉल D1 हब का है, हमारा स्मॉल D हमने दो न्यूमेरिकल में जूम किया है लेकिन ध्यान रहे हमारे जो डिजाइन डेटा बुक में दिया हुआ है वो स्मॉल D1 दिया हुआ है। तो इसको जब हम इस कैपिटल स्मॉल एल से हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा 120 mm आ गया। वाई दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब भी हम कोई टॉर्क निकालते हैं तो हमको XX सेक्शन निकालना पड़ता है, लेंथ निकालनी पड़ती है कि किस लेंथ पर हम इसको इस मोमेंट को लेने की कोशिश करेंगे और उसी के अनुसार हम MB निकालेंगे। तो MB हमारा जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है डेट इज P × L, लास्ट प्रॉब्लम में हमने ये MB जब लिया था तो यहाँ पर R लिया था PR, ध्यान रहे अभी हम PL निकाल रहे हैं क्योंकि हमको जो हब का डायमीटर है वो भी दिया हुआ है, यदि हब का डायमीटर नहीं देते तो हम यहाँ P × R से सीधे L निकालने की कोशिश करते हैं। तो हमने इंस्टेड ऑफ ये जो कि ऑफ कोर्स R ही रहता है, D/2 मींस R दैट इज R, तो हम यहाँ डायरेक्टली R लिखे थे लास्ट न्यूमेरिकल में आपको यदि आप ने थोड़ा सा ध्यान दिया होगा तो, और L इज इक्वल टू MB इज इक्वल टू P × L और यहां पर MB हमारा आ गया 30,000 न्यूटन MM। जब हमारा MB आ गया और उस MT आ चुका है, हमने कैपिटल P भी निकाल लिया, सो देन वी आर एबल टू सॉल्व फॉर द प्रॉब्लम दैट इज टू फाइंड आउट मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस ऑफ आर्म। तो इसको निकालने के लिए हम एक टेंटेटिव डायग्राम बनाते हैं, देखिए हमने ये बनाया हुआ है, यहाँ पर P1 है, ये P2 है, ये कैपिटल D दिया हुआ है, ये स्मॉल D है हब का, और हमको हमने एज्यूम कर लिया है कि मेजर एक्सिस परपेंडिकुलर है इस आर्म के
और स्मॉल माइनर एक्सिस ए है जो पैरेलल है आर्म के, जैसा कि हमको इस डायग्राम से हमको याद नहीं रखना, जब हम इस डायग्राम को कुछ इस तरीके से इस यहाँ पर घुमाकर बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये फिगर आपको प्रेजेंट होगा। अगेन क्रॉस सेक्शन ऑफ आर्म ऑफ एनी आर्म ऑफ इलेप्टिकल सेक्शन, हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेते हैं पाई ए बी क्यूब डिवाइडेड बाई 64। तो इस पाई बाई पाई ए बी क्यूब डिवाइडेड बाई 64 को हम पाई ए और बी इज इक्वल टू 2a, क्योंकि हमको यही कंडीशन रखनी है तो हम इसको बी इज इक्वल टू 2a को यहां रखते हैं, और उसके बाद पाई ए 4 बाई 8 mm 4, ध्यान रहे mm 4, ये 3 mm है, m क्यूब mm क्यूब और एक मल्टीप्लाई m हो गया, तो ये हो गया mm 4। अब हम y निकालते हैं, और y सेक्शन निकालने के लिए हम b बाई 2 का प्रयोग करते हैं, ये भी हमने लास्ट न्यूमेरिकल में किया था, और b की जगह हम 2a रखते हैं तो हमारा amm आ जाता है, y इज इक्वल टू amm। अब हम सिग्मा b mb बाई y, अगेन इसे हम चैप्टर नंबर 3 से लेते हैं, जस्ट अ मिनट, मैं आपको फिर से बता देता हूं कि इलेप्टिकल सेक्शन का हमने क्रॉस सेक्शन कहां से लिया है और कौन से फॉर्मूले हमने यूज किए हैं। जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड, ये देखिए ये पाई ए क्यूब, यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये फॉर्मूला मिलेगा I इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया वेयर A इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए उल्टा है, इन्होंने जो माना है वो A है और ये हमारा मेजर एक्सिस A है, हमारा ये मेजर एक्सिस B है, तो ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा, दैट विल बी B, A इज इक्वल टू B एंड B इज इक्वल टू A। साइमल्टेनियसली हम चैप्टर नंबर 3 में के स्टार्टिंग में हम ये फॉर्मूला m बाई आई डिवाइडेड बाई सिग्मा बाई वाई, वेयर वाई इज द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, इसका प्रयोग करते हुए हम सिग्मा बी इंटू एम बी वाई डिवाइडेड बाई आई इसका प्रयोग करते हैं। सो सिग्मा बी इज इक्वल टू 30, एम बी हमने निकाल लिया 30,000 और a एज इट इज y, क्योंकि y का मान हमारा a आया हुआ है, a को रखते हुए हम ए की वैल्यू निकालेंगे 13.66, नियरेस्ट हम वैल्यू ले लेते हैं 15, हम कुछ भी मान सकते हैं, यदि आप यहाँ 14 माने तो भी वो सही होगा, यदि आप 15 माने तो भी सही होगा, यदि आप और टेंटेटिवली जाना चाहते हैं 20 mm तो भी ये सही होगा। व्हाई? बिकॉज व्हेन एवर यू विल फाइंड 15, जैसे सब फॉर एग्जाम्पल मैंने ए का मान सीधे 15 माना है तो ऑटोमेटिकली बी उससे 2 गुना होगा, दैट विल बी 30 mm, तो यदि मैं 20 मानूंगा तो ये 40 होगा, लेकिन हमको नियरेस्ट अबाउट जो डिजिट्स है उसको लेना है, यदि ये 14 होता तो भी सही होता, यदि आप 15 रखें तो भी सही है, यदि आप 16 रखें तो भी सही है, बट ट्राई टू सॉल्व कि 1-2 mm का ही इसमें फर्क रहे जिससे कि हमारा जो आंसर है वो एकदम सही रहे, 15 mm और b इज इक्वल टू ऑटोमेटिकली इट विल बी 30 mm। सो दो फार्मूला वी आर यूज इन दिस न्यूमेरिकल, लेट समिट अप फास्ट, जल्दी से देखते हैं। एम टी इज इक्वल टू कैपिटल पी वन माइनस पी टू डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाई डी बाई टू फॉर एम टी निकालने के लिए, फिर हमने उस एम टी के द्वारा हमने कैपिटल पी निकाला, फिर हमने नियर द एक्स एक्स सेक्शन के लिए लेंथ निकाली, चूंकि हब का डायमीटर दिया हुआ है दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड दिस फार्मूला कैपिटल डी बाई 2 माइनस स्मॉल डी बाई 2, और उसके बाद हमने कैपिटल एम बी इंटू निकाला पी इंटू एल, तो ये जब हम निकालेंगे तो हम ऑटोमेटिकली देखते हैं कि आवर एम बी इज इक्वल टू 30,000 mm ये आया है। इसके बाद ये सारे स्टेप्स जो हैं हम ये पिछले न्यूमेरिकल में देख चुके हैं, एंड वेयर यू हैव टू रिमेंबर, क्योंकि हमारा बी और ए का फॉर्मूला है और जो हमें दिया हुआ है, ध्यान रहे, जो हमें इलेप्टिकल सेक्शन दिया हुआ है डिजाइन डेटा बुक में, दैट इज इक्वल टू एम बी, यहाँ पर देखिए आई बाई 64 और वाई की एक्सिस में डी बी क्यूब, यहाँ पर डी जो है ये
डी है, और तो आपको ये वाई एक्सिस वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है. सो आई थिंक दिस इज वेरी इजी नाउ एंड यू विल यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल द पुलिस प्रॉब्लम, हाउ दिस पुलिस प्रॉब्लम आर आस्क. इन फ्यूचर ऑल्सो यदि समय जरूर मिलेगा तो हम एक दो और न्यूमेरिकल देखने की कोशिश करेंगे पुली की, बट एट प्रेजेंटली आवर पुली सेक्शन इज ओवर एंड फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल ट्राई टू सॉल्व एंड फर्स्ट अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व द स्प्रिंग प्रॉब्लम दैट इज चैप्टर नंबर 6 एंड आफ्टर दैट वी विल सी द अदर यूनिट्स साइमल्टेनियसली. सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर योर काइंड अटेंशन. थैंक यू वेरी मच.